Hello everyone, welcome back to our channel. This is Amit sir. I hope you all are doing absolutely fine. So today we are going to start exercise 2.3, chapter number 2, polynomial, class 9. So let's get going. Abhi chapter number 2 mein humne kya dekha? Polynomial ka kuch revision work dekha. When 2.1, 2.2 mein kuch humne substitution work dekhe, kuch zero of the polynomial humne seekha. So ab yahan pe kya hai? Remainder theorem. Ab remainder theorem pehle samajh lete hain ki first remainder theorem hota kya hai, theek hai? सो रिमाइंडर थ्योरम में हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखा हुआ है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है विच इज़ एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 3 माइनस 2x² प्लस 1 और हमारे पास क्या है इज़ डिवाइडेड बाय, मतलब ये किससे डिवाइड हो रहा है, एक्स माइनस 1 से डिवाइड हो रहा है। तो हमको क्या करना है, हमको रिमाइंडर फाइंड करना है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो इस रिमाइंडर थ्योरम में हम क्या करेंगे, जिससे ये डिवाइड हो रहा है उसका हम पहले क्या क्या फाइंड करेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ एक्स माइनस वन, मीन्स एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू वन। ठीक है, तो आपकी एक्स की वैल्यू मिल गई। नाउ वी विल सब्सिट्यूट, अभी क्या करेंगे नेक्स्ट, सब्सिट्यूट एक्स इज इक्वल्स टू वन और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन पी एक्स, तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। तो सीधे सीधा फंडामेंटल क्या है कि जिससे आप इसको डिवाइड कर रहे हो उसका क्या करो, जीरो से इक्वेट कर दो और जो वैल्यू आती है आप उसको उठा के किसमें सब्सिट्यूट कर दोगे, इस गिवन पॉलिनोमियल में सब्सिट्यूट कर दो। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 3 माइनस 2x² प्लस 1। तो ये पी ऑफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे लिख लो 1² 1 टू द पावर 4, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 1 टू द पावर 3 माइनस 2 इंटू 1² एंड प्लस 1। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, तो ये 1 प्लस 1 देखो क्या हो गया, 2 टू 0 हो गया और बच गया क्या आपके पास, 1। तो पी ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। अब रिमाइंडर का मतलब हमको पता भी है कि क्या होता है, रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर जो बच जाए डिवाइड करने पे। तो अब एक बार लॉन्ग डिवीजन भी समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, जो x प्लस वन है वो क्या हो जाएगा, x माइनस वन जो है यहाँ पर आ जाएगा और हमने यहाँ पर रिमाइंडर डाल दिया, x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 माइनस 2x² प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, जब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने में स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम जाती है। तो सीधा सा सिंपल लॉ क्या है इसको सॉल्व करने का, कि पहला टारगेट क्या है मेरे को, ये जो x टू द पावर 4 है इसको क्या लेके आना है। तो ऑब्वियस ही बात है, अब आप समझो अगर मैं 19 को 6 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 6 3 सा पहले क्या करूँगा, 18 लिखूंगा, यानी 6 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मुझे सबसे पहली चीज़ क्या फाइंड करनी है, पहला टर्म फाइंड करना है कि जिसको रखते ही मुझे क्या मिल जाए, x टू द पावर 4 मिल जाए, सिंस मेरे पास ये क्या है, बाइनोमियल है। तो यहाँ मैं नीचे रफ वर्क भी करते जा रहा हूँ, ठीक है, रफ वर्क पर थोड़ा ध्यान देंगे। तो यहाँ पर देखो x टू द पावर 4 है और यहाँ पर पहला टर्म क्या है, x है, इन दोनों को डिवाइड कर दो क्या मिल जाएगा आपको, x टू द पावर 3 मिल जाएगा। तो मतलब मुझे पहला वैल्यू क्या लेना है, x टू द पावर 3 रखना है। तो ये कैसे मैंने फाइंड किया, फर्स्ट टर्म को डिवाइड किया किससे, फर्स्ट टर्म से डिविडेंड डिविजर से, ठीक है, डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिविजर के फर्स्ट टर्म से मैंने डिवाइड किया है, तो x क्यूब मिल गया। अब मुझे डिवाइड किस, ऑफकोर्स ये दोनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, तो x टू द पावर 3 क्या हो जाएगा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, x क्यूब मल्टीप्लाइड बाय x, x टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 3, रख दो यहाँ पे x टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 3, सब्ट्रैक्ट होगा, साइन चेंज होगा, ये कैंसिल हो गया, पहला टर्म देखो एलिमिनेट हो गया है। अब यहाँ पे प्लस प्लस दोनों ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2x टू द पावर 3 माइनस क्या आ जाएगा, 2x² प्लस 1, पूरा टर्म हमने क्या किया, नीचे ले लिया, फर्स्ट वर्क डन हो गया। अब ये न्यू डिविडेंट है आपके लिए, क्या है, न्यू डिविडेंट ओल्ड डिविजर। तो अब न्यू डिविडेंट का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 2x टू द पावर 3 है और ओल्ड डिविजर जो वो क्या है, एक्स है। अब इसको जब मैं इनसे डिवाइड करूंगा तो आई विल बी गेटिंग 2x², राइट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस 2x² मुझे रखना है, राइट, क्या रखना है वो मुझे मिल गया सेकंड टर्म, और इस 2x² को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x माइनस 1 से कर रहे हैं। तो ये देखो ये 2 इंटू ये क्या हो जाएगा, 2x टू द पावर 3 हो जाएगा नंबर 1 और यहाँ पर माइनस क्या आ जाएगा, 2x², तो यहाँ रख दो 2x टू द पावर 3 माइनस 2x², तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ठीक है, काम खत्म, ये दोनों देखो कैंसिल आउट हो गया और लास्ट में क्या बच गया आपके पास, रिमाइंडर 1 आ गया। और यही रिमाइंडर देखो यहाँ पे भी आ रहा था, कहाँ पर, यहाँ पर,
समझ में आया? तो लॉन्ग डिवीजन करो या रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है, इसका शॉर्ट फॉर्म है, यानी एक और मेथड है, नॉट अ शॉर्ट फॉर्म, बट इज अ मेथड टू गेट अ रिमाइंडर। बट रिमाइंडर क्या आता है, हमेशा एग्जैक्ट करेक्ट आता है। तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज नोन एज लॉन्ग डिवीजन और डिवीजन ओनली। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग डिवीजन और डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज पे क्या है हमारे पास, तो पहला देखो, फर्स्ट क्या है हमारे पास, हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन। तो पी एक्स क्या है हमारे पास, पी एक्स है एक्स टू द पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। और हमारे पास जो जी एक्स है वो क्या है, सबसे पहले x प्लस 1 है। तो हम क्या करेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जो डिविजर है, पॉलिनोमियल जी एक्स क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1। नाउ सब्सिट्यूट x इज इक्वल टू माइनस 1 इन पी एक्स। तो p ऑफ क्या हो जाएगा, माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 1 और प्लस 1। तो यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव 1 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 1। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। तो देखो ये क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया। यानी p ऑफ माइनस 1 रखने पे मुझे क्या मिल रहा है, रिमाइंडर, रिमाइंडर मिल रहा है 0। इट मीन्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय द फर्स्ट टर्म। ठीक है, रिमाइंडर जब 0 आएगा इसका मतलब क्या है, ये जो पहला जो x प्लस 1 है इज अ फैक्टर। तो आई कैन से दैट x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, जो भी पॉलिनोमियल है उसका क्या है, ये वन ऑफ द फैक्टर। ये मैंने कंक्लूड किया है, रिमाइंडर यहीं तक था। अब इस बात पे थोड़ा हम लोग याद रखेंगे कि फैक्टर हमने क्यों बोला इसको। ठीक है, नंबर 1। तो इसी तरह से अब चाहे x माइनस 1 बाई 2 हो या फिर x प्लस पाई हो, चाहे फिर कोई और वैल्यू हो, हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से मैं आपको बताता हूँ x प्लस पाई वाला, दैट मीन्स फोर्थ वाला। मेरे पास p ऑफ x क्या है, हमारे पास जो पी एक्स है वो है x टू द पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। और जो इस बार हमारे पास जी एक्स अवेलेबल है वो क्या है, x प्लस पाई अवेलेबल है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल जी एक्स फाइंड करेंगे, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे हम, जी एक्स फाइंड करेंगे। तो जी एक्स इज वॉट, x प्लस पाई इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू माइनस पाई। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस पाई। नाउ वी विल सब्सिट्यूट x इज इक्वल टू माइनस पाई इन पी एक्स। तो देखो ये p ऑफ क्या हो जाएगा, माइनस पाई इज इक्वल टू माइनस पाई टू द पावर 4, नॉट 4, पावर 3 प्लस 3 इंटू माइनस पाई होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1। तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, नेगेटिव पाई टू द पावर 3 प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। तो ये पी ऑफ क्या हो गया, माइनस पाई की वैल्यू मिल गई है। और इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता। तो जो आपका रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर ये पूरा का पूरा टर्म, जो पॉलिनोमियल आ रहा है ये पूरा फोर टर्म पॉलिनोमियल जो है, दिस विल बी द रिमाइंडर फॉर एक्स माइनस पाई, सो एक्स प्लस पाई। क्लियर, क्योंकि क्या है देखो, डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है। तो बाकी के जो तीन नंबर है वो आप खुद परफॉर्म करोगे, इट्स फॉर यू। डी वाई एस देखो x में क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 0 ही ले लोगे। ठीक है, तो इसमें गड़बड़ाने वाली बात नहीं है कि x क्या आ गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी डी वाई एस एक्स इक्वल टू 2 माइनस 2 बाई 5 मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इज डिवाइडेड बाय x माइनस वे। तो यहाँ पे देखो p ऑफ x क्या है हमारे पास, x टू द पावर 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। और जो जी एक्स अवेलेबल है वो क्या है, कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, गिवन लिख लिया। सबसे पहले क्या फाइंड कर रहे हैं हम, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जी एक्स। तो x माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एंड x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, नंबर 1। ठीक है, ए थोड़ा प्रॉपरली लिखते हैं, x इक्वल टू a। नाउ क्या करेंगे, सब्सिट्यूट x इज इक्वल टू a इन px। तो आपके पास
पी ऑफ क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा इज इक्वल्स टू ए टू द पावर 3 माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस ए। तो ये क्या हो गया, ए टू द पावर 3 माइनस ए टू द पावर 3 प्लस 6a माइनस ए, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल्ड आउट, आपको मिल गया 6a माइनस ए विच विल बी व्हाट 5a। तो आपका p ऑफ a क्या मिल गया 5a, और ये 5a आपका क्या है, दिस इज द रिमाइंडर एंड दैट वुड बी योर फाइनल आंसर। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू, लाइक जस्ट लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज इन द होल क्वेश्चन फॉर्म एंड दैट इज आवर रिमाइंडर। ओके, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स मूव ऑन टू सी क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? सो इन क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + x। अब याद होगा थोड़ी देर पहले हम लोगों ने फैक्टर की बात की थी और मैंने बोला था, तो याद होगा, तो हमने थोड़ी देर पहले क्या बात की, इज अ फैक्टर वाली बात की थी। इज अ फैक्टर का केस क्या होता है, जब भी अगर एक पॉलिनोमियल में बोले कि एक गिवन पॉलिनोमियल क्या है, एक पॉलिनोमियल का क्या है फैक्टर है, इसका मतलब क्या होगा, वेन एवर यू सब्सिट्यूट दैट जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल इट विल गिव यू आंसर एज जीरो, यानी रिमाइंडर क्या आएगा आपका, जीरो। तो यहाँ पे आप एक चीज लिख सकते हो कि इज अ फैक्टर का जब भी कहीं पे क्वेश्चन आएगा या ये वर्ड आपको मिलते हैं तो आप इसके बारे में क्या लिख सकते हो, यहाँ पे हमेशा क्या होना चाहिए, रिमाइंडर जो है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास जो अभी इस सिनेरियो में पी ऑफ एक्स जो अवेलेबल है वो 3x³ क्या है 7x है, और हमारे पास जो जी ऑफ एक्स है जो चेक करने के लिए दिया है वो क्या है 7 + 3x दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेम वही चीज, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जी एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 7 + 3x इज इक्वल टू जीरो एंड 3x इज इक्वल टू -7 एंड x इज इक्वल टू -7/3। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, -7/3। ठीक है, नंबर वन डन। आते हैं आप क्या सब्सिट्यूशन पे, अभी हमको क्या करना है, चेक करना है ना। तो चेक करने के लिए हमको क्या लाना है कि दैट p ऑफ -7/3 नीड्स टू बी इक्वल टू जीरो, ये हमको चेक करना है। तो हमने रखा p ऑफ -7/3, रख लेते हैं, देखो क्या है हमारे पास 3 × -7/3 whole cube + 7 × -7/3। ठीक है, करते हैं आगे सब्सिट्यूशन। 7x³ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 × -7 इंटू, अब देखो पूरा टर्म पावर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आएगा, तो मैंने क्या किया, मैंने माइनस को बाहर ही रख लिया। या एक काम करो, 7/3 × -7/3 × -7/3 क्या करो, एक्सपेंड कर दो, प्लस यहाँ पर क्या है हमारे पास 7 × -7/3। ठीक है, तो पहले देखो यहाँ 3 से ये 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे देखो नेगेटिव में बच जाएगा 7 × 3 एंड 3² और यहाँ प्लस माइनस माइनस 7² / 3। तो ये दोनों कभी कैंसिल आउट हो गया, आपको इक्वल टू जीरो, तो ये इक्वल टू जीरो तो कभी नहीं आएगा। तो ये चीज़ कभी भी आपको देखो जीरो तो प्रोवाइड नहीं करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये दोनों आइटम क्या है, अलग अलग है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो ये दोनों आइटम ऊपर से नेगेटिव भी हैं, तो दोनों कभी कैंसिल आउट होंगे नहीं, क्योंकि दोनों सम प्रोवाइड करेंगे, बट एवर द आंसर विल बी, सो इट विल बी, सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हेंस जी एक्स इज इक्वल्स टू 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स विच इज इक्वल टू 3x³ + 7x, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब दैट्स इट फॉर एक्सरसाइज 2.3। इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोना ब्रिंग यू एक्सरसाइज 2.4। इन द मीन टाइम वर्क हार्ड, डेफिनेटली वर्किंग हार्ड विल पे ऑफ, है ना, ये तो हम जानते ही हैं, और कीप ऑन प्रैक्टिसिंग अगेन। एंड इन द मीन टाइम लाइक शेयर सब्सक्राइब आर वीडियो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।